नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत के पवित्र त्यौहार रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष में आज अम्बाला के लोगों में काफी उत्साह नजर आया। हिंदुओं के हर घर में रामनवमी पर्व से पूर्व लगातार 9 दिन तक नवदुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन अपने अपने घरों में नवदुर्गा का स्वरूप कंजकों और हनुमान के स्वरूप लौकड़ा का पूजन कर प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस रामनवमी महोत्सव को लेकर अम्बाला छावनी के प्राचीन कैलाश हाथी खाना मंदिर के महंत मनमोहन दास की अध्यक्षता में हाथी खाना मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अम्बाला छावनी के विभिन्न बाजारों में से होते हुए शोभा यात्रा का समापन देर रात हाथी खाना मंदिर में ही होगा। ये शोभा यात्रा निकालने की परंपरा महंत मनमोहन दास के गुरु महंत केशवदास महाराज के जीवन काल में शुरू की गई थी। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों के साथ साथ दूर दूर से आए बैंड बाजे दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अम्बाला छावनी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है इसके बारे में बताएं सर। ये जो है श्री राम जी का प्रकट होने का समय है और भगवान श्री राम जी जो है सब भक्तों के और सब जनता जनार्दन के लिए प्रकट होते हैं और जो है भगवान शंकर जी सब जो है आके राम जी की आराधना और सभी भगवान की ज्ञान शंकर जी। ये सर कहाँ से निकले थे, कहाँ समाप्ति होगी? कैलाश मंदिर हाथी खाने से। आदर्श समाप्ति कहाँ है जिनकी? कैलाश मंदिर हाथी खाने।